नमस्कार साथियों, मैं गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी वीडियो स्पेशल स्टूडेंट वर्ग के लिए है, विद्यार्थियों के लिए। आज की वीडियो में मैं आपको शिक्षा से संबंधित कंसंट्रेट कैसे हों, एकाग्र कैसे हों, कौन कौन सी समस्याएँ ऐसी हैं जो हमें शिक्षा प्राप्ति में आगे बढ़ने से रोकती हैं, यही बात करूँगा। किस प्रकार से आप अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हो, यह भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। साथियों, यदि आप विद्यार्थी हैं और आप कंसंट्रेट नहीं हो पाते, एकाग्रता से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते, तो सबसे पहले जल्दी सोएं और जल्दी उठें, इस नियम को आप फॉलो करना प्रारंभ कर दें। खाली पेट चाय दुश्मन को भी ना दें, इससे आपकी मेमोरी कमज़ोर होगी, इससे आपकी बौद्धिक क्षमता कमज़ोर होगी। आज की तारीख में विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को मोबाइल ने उनके दिमाग को खा लिया है, इसलिए मोबाइल का प्रयोग करें। लेकिन कितना उसका प्रयोग आपको करना है उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए, यह भी एक शिक्षा में बड़ी बात है। फास्ट फूड का कम से कम सेवन करें। फास्ट फूड खाने से बुद्धि में राजसिकता आती है, शरीर में आलस्य आता है, टेंशन तनाव का माहौल बनता है, नकारात्मकता आती है। शुद्ध सात्विक भोजन लें। ओम एम सरस्वती नमः, यह मंत्र का कम से कम एक माला जाप करें। नियमित सूर्य को अर्घ दें और एक माला गायत्री मंत्र का भी जाप करें। आपके कमरे का जो कलर है वह वाइट या ग्रीन या हल्का नीला होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इससे आपको एकाग्र होने में सहायता मिलेगी। साथियों, एकाग्र होने में, कंसंट्रेट आप कैसे हों इसके लिए यदि हो सके तो किसी अपने निकट के जानकार व्यक्ति से कुंभक प्राणायाम कैसे करते हैं वह सीख करके, चूँकि वीडियो बहुत छोटी है इसमें आपको नहीं समझा पाऊंगा, कुंभक प्राणायाम अवश्य करें। कुंभक प्राणायाम करने से व्यक्ति की याददाश्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती है, उसका विकास होता है। शुद्ध गाय के दूध का, गाय का दूध ना मिले तो भैंस के दूध का ऐसे ही, लेकिन दूध का सेवन अवश्य करें, इससे बुद्धि आश्चर्यजनक रूप से बुद्धि का विकास होता है। थोड़ा बहुत अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, हार्ड वर्क है तो घी का भी आप प्रयोग करें। जो व्यक्ति घी और दूध का उपयोग नहीं करते उनकी बुद्धि भी धीरे धीरे शिथिल होनी प्रारंभ हो जाती है। व्यर्थ की वार्तालाप में, व्यर्थ की बातों में अपना समय खराब ना करें। साथियों, पुनः दोहराना चाहूँगा आज के स्टूडेंट को, आज 2022 में 21वीं सदी चल रही है, मोबाइल ने जिंदगी को तबाह करके रखा है, तो उसका उपयोग कितना करना है इसके लिए एक अपनी टाइमलाइन तैयार करें। बहुत ज़्यादा देर रात तक मोबाइल चलाने से भी बुद्धि व्यक्ति की दिक्कत में आती है। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। दोपहर में भोजन पेट भरपेट लें, शाम में भोजन आप हल्का ही लें और फास्ट फूड से आपको बचना चाहिए। तो यह मैंने विद्यार्थियों के लिए कुछ काम के टिप्स बताए, सूत्र बताए। कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ।